और आज की शिकस्त के बाद कैंपेन कहाँ देख रहे हैं, उम्मीद छोड़ दें या अभी उम्मीद बाकी है? अपना तो दहा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी जो मैच हुआ वर्ल्ड कप 2023, उसमें 10 टीम आई थी। इसी टीम में पाकिस्तान का भी टीम था। ये भी टीम मैच हार के ये वापस छोटी दिवाली के दिन पाकिस्तान पहुंचे। तो पाकिस्तान पहुंचने से पहले आप देखिए वो कितना दुखी होकर गाना गा रहे हैं, मतलब परेशान हो गए बाबर आजम। एक तो क्या है, उनको पता है कि उनके कंट्री में कितना प्रेशर है। हमारे कंट्री में, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में अगर कोई मैच हार जाता है तो जस्ट गेम, उसको क्रिकेट कहते हैं। फैन का जो देखने वाला जो उन लोग का फैन होता है क्रिकेटर का या बाकी हमारे देशवासियों का, उन लोग आम जनता दुखी हो जाता है अगर वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है इंडियन क्रिकेट टीम। लेकिन ये नहीं कि वहां पर तो गाली मार अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट होने लगता है, मतलब डर के मारे जाना भी मुश्किल है। वसीम अकरम ने कन्फेस किया था कि इसमें कपिल शर्मा शो में कि एक बार वो हार गया था इंडिया से, तो वहां से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फोन आया था कि आप चला जाओ लंदन, वापस पाकिस्तान मत आओ। मतलब इतना एग्रेसिव वहां पर का पब्लिक हो जाता है, जनरल पब्लिक। हमारे यहाँ पब्लिक बहुत डिसिप्लिन में है, बहुत सही है, गेम को गेम देखता है। इसमें हार जीत तो होना है, एक दूसरे का होता है, उसको मारने और मारने वाला इस हाल नहीं होता है। सब शिक्षित है, समझदार है, सबको समझदारी है, सब जानवरों जैसा व्यवहार नहीं करता है। तो वहां आप देखिए पाकिस्तान से जो ये टीम आए थे, पाकिस्तानी टीम जो आए थे, उन्होंने बिरयानी का क्या स्वाद चखा, जबरदस्त स्वाद चखा। प्लस एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ का किया, पैसे वैसे तो अच्छा बनाए हमारे देश में। साथ में जब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड कप का ट्रॉफी मिलेगा नहीं, तो दो दो बोरा आटा ही मिल गया, क्योंकि आटे का उनके यहाँ जो है बहुत ही किल्लत है। इसके साथ ही आप देखिए बाबर आजम कितना, पहले तो बहुत दुखी होके बोले कि मैं घर जाऊंगा, लेकिन बाद में आप देखिए कितना दुखी होके वो कुछ गा के उनका देखिए इसमें परफॉर्मेंस, मैं इसमें उस वीडियो को मैं कवर की हूँ, तो वो आप देखिए। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, बाबर आजम जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत खास था नहीं, पाकिस्तान सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया, और इस वजह से हर तरफ से जो पाकिस्तान के कप्तान पर दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव के तले एक तरीके से पोस्ट तले दब गए, और अब बाबर आजम ने कप्तानी से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, बहुत ही भावुक पोस्ट किया है। क्या लिखा है मैं आपको वो बताता हूँ। बाबर आजम ने लिखा कि जब 2019 में पाकिस्तान को लीड करने के लिए, यानी कि पाकिस्तानी की कप्तानी करने के लिए पीसीबी ने मुझे कॉल किया था, वो लम्हा मुझे आज तक याद है। पिछले 4 साल में बहुत शानदार यादें मेरे साथ जुड़ी हैं। मैंने अपनी कप्तानी में बहुत हाईज एंड लोज देखे हैं, यानी कि बहुत अच्छी यादें भी हैं, बहुत बुरी यादें भी हैं। लेकिन मैंने हमेशा पाकिस्तान को जीत दिलाने की कोशिश की, पाकिस्तान की शान में कोई कमी ना आए ये कोशिश की, विश्व क्रिकेट में पाकिस्तान का डंका बजे ये कोशिश की। इसी दौरान हम व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे नंबर 1 भी